हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम के अंदर और बाकी आपके और भी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर हम जो सेक्शन करेंगे वो सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 64, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन 64 माइनर चाइल्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एक बार हम पहले समझते हैं। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है और एक एसएससी है, जिसका नाम मान लेते हैं कि मिस्टर राम है, और एक और इसकी मिसेस है जिसका नाम मान लेते हैं हम मिसेस राम। इसने इनकम कमाए 50,000 या 5 लाख रुपए, और इसी के बदौलत इसने भी, इसी की वजह से इसने इनकम कमाए मान लेते हैं 20,000। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि इसके वजह से इसने इनकम कमाया है तो ये इनकम इसका ना मान के इसका मान लेंगे, यानी ये इनकम पे टैक्स नहीं देगी मिसेस राम। मिसेस राम, ये इनकम पे टैक्स कौन देगा? मिस्टर राम ही होगा। तो इस इनकम का टैक्स कैसे निकालेंगे बताओ? 5 लाख, और उसमें देखो 20,000 रुपए, दो लिखा है ना, 20 कर देते हैं, 20,000 रुपए जुड़ गया। तो जुड़ने को ही तो क्लबिंग कहते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब इनकम में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर रूल क्या पढ़ेंगे कि किसकी इनकम में किसका इनकम जोड़ा जाएगा? हस्बैंड में वाइफ का जोड़ा जाएगा या वाइफ की इनकम में हस्बैंड में? पेरेंट्स की इनकम में बच्चे का जोड़ा जाएगा या बच्चे की इनकम में पेरेंट्स में? तो ये सारे हम प्रोविजन सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो चैप्टर का थीम यही है कि इनकम जो होता है, कई बार हम इनकम टैक्स बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं कि सरकार उसके अंदर एक नए सेक्शन लाना पड़ता है। तो सेक्शन 60 लेके आई, कहा गया इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। हुआ क्या, देखना ध्यान से, हुआ क्या? एक व्यक्ति था राम, उस टाइम ये सेक्शन नहीं था, और इसकी सिस्टर सोनाली, सोनाली, ठीक है, इसकी सिस्टर सोनाली। अब आपको इनकम टैक्स का स्लैब पता है कि भाई 3 लाख रुपए तक, वैसे तो 5 लाख भी हो गया है, मैं एक बेसिक सा लेता हूं कि अभी जो आप पढ़ोगे, 3 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स देना है, निल देना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सैलरी से, जॉब से पैसे कमाता है, और वहां से इनकम है इसके मान लो 50,000, या हम वहां से इनकम मान लेते हैं इसकी 2,50,000, ठीक है। और एक और इसका रेंट आता है, और रेंट से इनकम है इसकी मान लेते हैं 2,50 की। तो हालांकि टोटल इनकम कितना कमा रहा है राम? 5 लाख रुपए। तो राम सोचता है कि जब 5 लाख है तो 3 लाख तो टैक्स नहीं देना, बाकी के 2 लाख पे इसको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी मान लो 10% होता है, या फिर मान लो 5%, 10%, जो भी, इसे टैक्स देना पड़ेगा। बस आप इस बात को समझो, देना तो पड़ेगा, इस इज लाइबल टू पे टैक्स। तो राम अपना दिमाग चलाता है यहाँ पे, बोलता है यार इस इनकम को मैं एक काम करता हूँ, अपनी इनकम नहीं बोलता, मैं बोल देता हूँ मेरी बहन की इनकम है ये, और ये रेंट घर इसी का है, और ये इनकम बहन को दे दिया। तो अब बताओ इसके पास कितने पैसे बचे? 2.5 लाख। गवर्नमेंट ने इससे पूछा कि भाई आपकी इनकम कितना है? उसने बोला मेरी जेब में तो 2.5 आते हैं, बाकी 2.5 तो सिस्टर लेती है, वो मालकिन है, तो आप 2.5 से उस पे टैक्स ले लें और 2.5 से मेरे से ले लें। तो 2.5 से इससे टैक्स लेने गया तो इससे कितना देना पड़ेगा? 0। 3 लाख तो एग्जेम्प्ट ही है, और 2.5 से इसकी बहन से लेने गया तो 0। तो गवर्नमेंट को क्या मिला? कोई टैक्स मिल ही नहीं पाया। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को देखते हुए सेक्शन लेके आया कि अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम किसी और व्यक्ति के नाम करता है और एसेट्स इसी व्यक्ति के नाम पे होता है, तो वो इनकम उस व्यक्ति की नहीं मानी जाएगी, वो इनकम उसी व्यक्ति की माना जाएगा। इस तरीके से देखा जा रहा है कि साफ साफ ये टैक्स की चोरी की वजह से किया जा रहा है, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद सोचो, इसने टैक्स बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट सेक्शन कौन सा लेके आ गई? सेक्शन ये हमारा है 60। तो ये था हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इसी तरीके से हम अब देखेंगे सेक्शन 61,
और फिर आगे और भी हम प्रोविजन देखेंगे। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मोहन, मोहन की इनकम 2 लाख है, या इसकी इनकम मान लेते हैं 295, और मिसेस मोहन की इनकम है मान लेते हैं 295, दोनों की इनकम, तो या मिसेस मोहन की इनकम नहीं, मोहन की इनकम 1 और 295 है, और ये वाला जो 295 है ये सैलरी से है, और ये वाला है बिजनेस से, और बिजनेस सारा काम मैनेजमेंट सब कुछ जो है, या रेंट की बात कर लेते हैं फिर से, सारा काम कौन करता है? मोहन करता है। इसकी वाइफ के नाम पे इनकम सिर्फ दे देता है ताकि 295 पे मिसेस मोहन भी टैक्स ना दे और ये भी ना दे। तो ऐसे सिचुएशन में इनकम इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन कमा कहाँ से रहा है? मान लेते हैं कि रेंट से कमाया जा रहा है, तो मकान किसके नाम पे है? मोहन के नाम पे। तो इस सिचुएशन के अंदर इनकम किस में जुड़ जाएगा? मोहन के अंदर। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का फर्स्ट सेक्शन था हमारा सेक्शन 60, तो इसे एक बार आप फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे देखेंगे सेक्शन 61 और 64। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए नोट करिए। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा कि हमने क्लबिंग ऑफ इनकम को खत्म कर लिया है, और क्लबिंग ऑफ इनकम के बाद हम सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पहले नोट करना है, समझना है, और बुक को जरूर पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज आपको बुक का ही लिखना होगा और फिर भी समझ में नहीं आता, तो हम आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे हम सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड पे डिस्कशन करेंगे।